समीप सदियों पुराना ये ब्रांड कैसल ही ड्रैकुला का गढ़ था। काउंट ड्रैकुला नाम का क्रूर राजा मर के भी जिंदा रहकर यानी अंडेड कंडीशन में भी सदियों तक मानव रक्त पी के यहीं जी रहा था। अंत में रोमानिया के अत्यंत शक्तिशाली व मांत्रिक पादरियों ने मिलकर दैविक रीति से उस ड्रैकुला के नामो निशान को भूमि से मिटा दिया और रोमानिया सरकार ने इस बंगले को पर्यटकों के लिए खोल दिया। कुछ भी हो, बहुत मजा आ गया। सारी दुनिया को डराने वाले उस भयंकर ड्रैकुला के मकान को देखने का मौका जो मिला। रॉय, तुम तो हैप्पी हो ना? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इस पर तुम किताब लिख सकते हो। ये ड्रैकुला एक दरिंदा था, लेकिन रोम वासियों के लिए वो हीरो था। एम आई राइट गॉड? व्हाट? I said, Dracula is your hero. Hmm, yeah, yeah. He's a ghost and god for us. Okay, thank you. Welcome. चलो। कितने घंटों से उस अंधेरे कमरे में ऊर्जा बोर्ड के साथ बैठी रही, मैं बोर हो गई। Sorry, dear. मैं ड्रैकुला की आत्मा को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। फिर क्या हुआ, मिला no क्या? No use.
गाइड के कहे मुताबिक यहाँ के कुछ बिशपों ने उस ड्रैकुला को पूरी तरह से तबाह कर दिया। क्या ये सच हो सकता है रॉय डार्लिंग? सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है, बट आई गॉट ए पॉजिटिव सिग्नल्स। कुछ भी हो, हम दो दिन यहाँ रहने वाले हैं। हाँ, कल मुझे फिर से आना पड़ेगा। हे जीसस, कल भी आना होगा? मैं नहीं आऊंगी। तो फिर तुम एक काम करना, रूम में रहकर सामान की पैकिंग करो। परसों में जाना भी है ना? गाइड ने बोला कि यहाँ कैसी बंद कोठरी है जहाँ वो ड्रैकुला 100 साल तक बंद रहा। उसे किसी ने खोला नहीं। Is it? लेकिन कल उसे मैं खोलूंगा। हाँ, ये तो गहरी नींद में है। जब भी मौका मिलता है ये सो जाता है। हेलो, झपकी ले रहे हो क्या? सॉरी सर, कल सुबह तक मैं ड्यूटी पर ही था। वैसे भी इंडियंस ऐसे ही होते हैं, जब भी काम के लिए विदेश जाते हैं तो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं। इंडिया में कोई काम भी नहीं जाता है क्या? इंडिया को बदनाम क्यों कर रही हो? चलो सर। गुड़िया के शरीर से वो बाधा निकल चुकी है। गुड़िया को ले जा सकते हैं। अच्छे काले आपके लिए, विदेश से। विदेश से? यही कहा। तुम पूजा की तैयारी करके दीपक जलाओ, तत्पश्चात अगले आदमी को बुलाओ। हेलो, क्या नाम बताया? रॉय बोल रहा हूँ। ओह, रॉय हो? काफी देर से ट्राई कर रहा था, लाइन मिली नहीं रही थी। अच्छा। हाँ पंडित जी, मैं रोमानिया से बोल रहा हूँ। रोमानिया? हनीमून मनाने इंग्लैंड जाने की बात कही थी ना तुमने? हाँ पंडित जी, इंग्लैंड से लौटते समय हम दोनों ने प्लान किया कि 2-3 दिन रोमानिया में ठहरेंगे और फिर बरसों की तमन्ना थी कि ड्रैकुला कोठरी देखने की। सही कहा। सच तो यह है कि तुम हर साल विदेश भ्रमण पर निकल पड़ते हो। देखा जाए तो विदेश यात्रा पर निकलना अच्छी बात है, विविध संस्कारों के ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, अचानक मुझे फोन किया। पंडित जी, हमारे देश के मंत्र विद्या के अनुसार आह्वान क्रिया करे तो किसी भी देश के बुरी आत्मा को काबू कर सकते हैं क्या? विदेश में जाकर भी तुम आत्मिक मंत्र तंत्र विद्या को भूले नहीं हो? आपके साथ कुछ दिन रहा ना, इसीलिए। तो क्या हुआ? ये आह्वान के स्थल वो आत्मा की भाषा कोई समझते नहीं है। हमारी मंत्र की शक्ति है, दुष्ट आत्मा को संकल्प करके कर्म करोगे तो तांत्रिक के मंत्र शक्ति के अनुसार वो दुष्ट आत्मा प्रकट हो जाएगी। क्यों राय, तुम रोमानिया में आह्वान कर्म करने वाले हो? हाँ, ऐसा ही कुछ प्लान है। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ो, फिर मिलते हैं। हाँ, यहाँ का भी तंत्र विद्या सीखने वाले का फोन था। रॉय, शादी के दूसरे दिन ही दोनों हनीमून मनाने निकल पड़े, मगर एक बेचारा 10-15 दिनों से भूखा प्यासा है, इसकी खबर किसी को है क्या? उसके लिए एक और दिन रुकना पड़ेगा। आज उपवास खत्म हो जाएगा, कल ईस्टर है और कल से हमारा हनीमून स्टार्ट। लेट मी सी दैट वन। या दैट्स गुड। ओके, कहीं मैं लेट तो नहीं? अरे नहीं, रॉय सर को ड्रॉप किया क्या? राय साहब को ड्रॉप करने के अलावा भी काम था। फिर कहाँ गए? मैं गया नहीं, अभी जाने वाला हूँ। मेरे पहचान के एक पंडित जी के घर में चला गया, कमंडल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, सारी पूजा सामग्री खरीद कर दे दी। और पंडित जी कस्टम्स में काम करते हैं, काली भक्त हैं वो। उसके बाद कब लौटोगे? शॉपिंग खत्म होते ही आपको रूम में पहुंचाने के लिए कहा है।
Good morning, my dear friend. I do not know how to thank you. Yes, this is the same room that I've been sleeping in for centuries, sheltering myself from the day, from sunlight. The Prince of Darkness, I was called then. Until those wretched Romanian priests expelled me from this world to seek revenge against Satan. But you, my dear mortal, who came from nowhere, your magical hymns have brought my soul back into this world. Who are you? I am Roy. Well, I hope you recognize me. I am Dracula, Count Dracula. No, Mr. Roy, you cannot see me like that. My soul has returned, but I cannot regain the form of a man. I want to be Dracula again and quench my never-ending thirst for the human blood. And there is only one way out of it, Roy, to enter the body of another human. Yes, into his warm corpse. I am sorry, Roy. I have to kill you. I shall live through your body until the world ends, and I shall go back to your land speaking the language I have never heard. Have a look at that door at the exit. I am standing right here, waiting for you. रोहित सर रूम में पहुंच गए? उनका फोन भी आउट ऑफ रीच है, फिर कहां गए होंगे? मैंने ड्राकुला का पूरा गढ़ देखा है लेकिन यहां नजर नहीं आ रहे, शायद रूम की तरफ चले गए हों। मैं फिर से देखता हूं। Okay.
फिक्र मत कीजिए सर, रात तक या वरना सुबह आ जाएंगे। कल सुबह हमें जाना भी है। न जाने डर सा लग रहा है मुझे। टूरिस्ट को अगवा करने वाले कुछ क्रिमिनल ग्रुप यहाँ पर हैं, ऐसा पुलिस ने कहा था। ये सच है, यहाँ मुझे 6-7 साल हो गए हैं, मगर उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। कभी कभार पैसे या बहुमूल्य चीजें छीन लेते हैं। आप हौसला रखिए और जाकर सो जाइए।
परिवार को निकाल दो। किस लिए? हनीमून जो बनाना है। ओ, ये हार रुकावट कैसे बन गई? अच्छे आदमी हो, तुमने मुझे डरा ही दिया। ये कैसा जादू किया तुमने? इस बाथरूम के अंदर कैसे घुस गए? बाद में बताऊंगा, चलो। बेटी नमस्कार। मंत्री और आईपीएस का घर है, मगर क्या फायदा? रोमानिया में आतंकवादियों ने पति पत्नी का अगवा जो कर लिया। प्रणाम गुरुदेव, तुम्हें इस बाबत कोई इंफॉर्मेशन मिली? जी नहीं। रोमानिया की जो इंडियन एम्बेसी है, वहाँ होम मिनिस्टर ने खुद फोन किया, जैसे ही कोई खबर मिलेगी वो बेन्नी को फोन कर देंगे। राय सुबह गुम हुआ था और उस रात 10 बजे होटल में लूसी भाभी को देखने वाले लोग थे और दूसरे दिन सुबह से भाभी भी लापता हो गई। रूम से पैसे व सामान की चोरी भी नहीं हुई। ये मैं क्या सुन रही हूँ? किस पाप की सजा है ये? आप चिंता मत कीजिए, अगर कल तक कुछ नहीं हुआ तो इन्वेस्टिगेशन टीम को वहाँ भेजेंगे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने बोला। तो लोग चैन की नींद सो जाओ, चैन की नींद सो जाओ। हमारे मालिक आने वाले हैं। मेरा मालिक यहाँ पहुँच चुका है। रात के तीसरे पहर में जितने भी रुए हैं उन सबको खबर से उठ के आना होगा, उनकी खिदमत करनी होगी। Oh, the king of darkness, come, I am inviting you, my prince. Today is the hot seed plant of our beautiful girls. Owner's bungalow. ये तो वाकई भूत बंगला है। Oh my God, यहाँ पे तो कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा। कोई है क्या? सर जी, विलियम डिसोजा सर। अरे सुनिए सर, हमें वापस भी लौटना है। अरे सामान जल्दी उतारना। उतारने के बाद फिर चढ़ाने की बात मत करना, डबल चार्ज लूंगा मैं। सुनाना। सही कहा, लेकिन पहले अंदर से किसी को आने तो दो। ठीक है ठीक है। हेलो, ओमेगा शिपिंग के स्टाफ को ना। यस सर, मैं राजू हूँ, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आई एम प्रोफेसर विलियम डिसोजा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोग आपके घर के सामने खड़े हैं, यहाँ कोई नहीं इसलिए परेशान है, प्लीज कैन यू कम आउट? मैं अभी बंगले में नहीं हूँ, बहुत दूर हूँ। ओह नो सर, ये सामान उतार के हमें और भी कहीं जाना है, ऊपर से लॉरी वाले चला भी रहा है। फिलहाल तुम उन्हें समझा बुझा के वहीं वेट करो राजू, ओके? आप भी ऐसा कहेंगे तो क्या करेंगे हम? और बैलेंस 30,000 रुपीस है, पता है आपको? अभी अनलोड मत करना, इस उल्लू के पट्टे का कोई भरोसा नहीं। क्या बोला, उल्लू का पट्टा? नहीं सर, मैं तो उन लोगों को कह रहा था कि पेड़ों को हल्लू से उठाना। वेरी गुड, मेरे खातिर वहाँ 2 घंटे इंतजार करना,
मेल अमाउंट के साथ 10,000 एक्स्ट्रा दूंगा। एक्स्ट्रा 10,000 फॉर मी? यस। ओह, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है सर? यार सामान उतारो, ये सब उल्लू नहीं पूरा लल्लू है। अच्छा ये बताओ ये लल्लू किसे बोला तुमने? अरे नहीं सर, मैं लॉरी ड्राइवर कल्लू को हल्लू से उठाने के लिए बोल रहा था। ओके सर। अच्छा साहब, तो हम लोग सामान उतार के चले जाते हैं। हाँ, तुम लोग जाओ, मैं साहब के आने के बाद ही आऊंगा। ये लो। थैंक यू। ठीक है, जरा ठीक से पकड़ना। वैसे इसकी आवाज से लगता है कि ये बड़ा लंपट आदमी है, कहीं मेरी वाट लगा दी तो। अरे जल्दी करना, घर का ना घाट का। हाँ सर। अरे हाँ राजू, बंगले का दरवाजा खुला हुआ है, तुम अंदर जाके बैठ जाओ। अरे इस तरह दरवाजा खुला छोड़ के जाएंगे तो घर का सामान गुल हो जाएगा। तुम उसकी फिक्र मत करो। ओके। हाँ ओके ओके सर। तो साहब हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ राइट चलो। काफी समय हो गया, पता नहीं ये उल्लू कब आएगा। ये क्या? वैसे भी अकेले कोई भी आवाज सुनकर डर लगता है। लगता है चूहा है। पुरानी कुर्सी है। मैं तो डर गया। पहुंच गए। गुड इवनिंग राजू। गुड इवनिंग सर। आई एम प्रोफेसर विलियम डिसोजा। सर हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। क्या हुआ? कितना ठंडा हाथ है आपका। बाहर सर्दी जो है, ऊपर से कोहरा भी छाया हुआ है। प्लीज टेक योर सीट। जी सर। मैंने तुम्हें परेशान किया ना? इट्स ओके सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। सर इसमें एक साइन कर दीजिए। ओ यस, ये लीजिए पेन। थैंक यू सर। वेलकम। 30,000। जैसा सोचा वैसे ही हुआ, मुझे उल्लू बना। और ये वादे के मुताबिक एक्स्ट्रा 10,000। थैंक यू सर, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, सही वक्त पर मेरी मदद की आपने। इट्स ओके, इट्स ओके। सर कुछ कहूँ मैं? जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ मेरी पगार तो 7,000 रुपए है। दरअसल मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ सर, मगर पहली बार 10,000 रुपए देख रहा हूँ मैं। सचमुच आप देवता हैं। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। अच्छा मैं चलता हूँ। वैसे इतनी रात हो गई, अभी जाना जरूरी है क्या? यहाँ से बस स्टैंड भी काफी दूरी पर है। यू डोंट वरी प्लीज, ये तो हमारा रोज का काम है। ओके राजू, तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सर। यहाँ की पेटियां कहाँ गई सर? मैंने सब अंदर लाके रख दिए। अच्छा हाँ, वो भी अकेले? कोई पहलवान होगा। ओ गॉड, हर रोज इनकी तरह नए इंसान से मिला देना मुझे। मुझे बचाइए।
अजूब है, ये भी इंग्लिश ही समझते हैं क्या? ओह गॉड, अगर आप सही वक्त पर नहीं आते तो मैं आज इनका निवाला बन गया होता। बाप रे, इन शिकारी कुत्तों को आप पाल रहे हैं? पाल नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी बात मानते हैं। राइट, अगर आप जाने के लिए कहेंगे तो भी मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं नहीं जाऊंगा सर, प्लीज। चलो अंदर, पहले फ्रेश हो जाओ तुम। हाँ। उसके बाद हम दोनों डिनर करेंगे। थैंक यू सर। सर जी एक बात पूछो, इस घर में आप तन्हा रहते हैं? क्यों, इतना बड़ा बंगला देकर डर गए क्या? नहीं तो। प्लीज कम, वहां उस कमरे में जाके फ्रेश हो जाओ। विदेश में रहने के कारण आप मुझसे ऐसे पेश आ रहे हैं? कितने अच्छे संस्कार हैं आपके, सच बताओ तो आप देवता हैं साहब। I'll give my visiting card to you. यहाँ किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारा कुछ गिर गया है? फोटो है। She's my would be. MBBS करके प्रैक्टिस कर रही है। वैसे नाम है मीना। को बहुत अच्छी है। You are very lucky. Thank you. Lucky तभी होऊंगा जब एक अच्छी नौकरी मिलेगी मुझे। उसी की कोशिश में लगा। सर, सर क्या बात है? गले में खरोंच। ओ, जब कुत्तों ने दौड़ा तो खरोंच आई होगी। नो प्रॉब्लम, इट्स ऑलराइट। मैं क्या बोल रहा था? नौकरी के बारे में। अरे हाँ, अब मैं क्या बताऊँ सर जी, शादी के बाद छेड़ता हूँ तो मीना के डैडी टालते जा रहे हैं। हाँ, ससुर जी के बारे में सुनिए, सचमुच शेर है वो। इस हिंदुस्तान के मशहूर तांत्रिक और मांत्रिक है, और सूरज पंडित का नाम लेते ही बस जिग्गी बन जाती है। बोलिए किसकी? पिशाचों की। तुम्हें अपने साथ लेके जाने का फैसला कर लिया? क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। क्यों आओगे? नेकी और पूछ, जहाँ भी कहिए मैं तो चलूंगा। कितने बरसों से विदेश जाने का सपना देख रहा था। तो फिर फ्रेश होके आ जाओ। हाँ। फिलहाल डिनर करते हैं। यू दो मिनट में फ्रेश होके आता हूँ। कोई अपना नहीं है देश में, और मेरी तन्हाई का कारण मुझे अभी पता चला। मेरी राजकुमारी द प्रिंसेस ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। जंगे मैदान में किंग ड्रैकुला शहीद हो गया, ये खबर जब उनके दुश्मनों ने फैलाई तो ड्रैकुला की बेगम प्रिंसेस मीना काउंट ड्रैकुला ने खुदकुशी कर ली। उस गम को सह न पाने की वजह से ड्रैकुला ने जीसस के सिर तलवार उठाई और अंजाम ड्रैकुला की तबाही। तुम रेडी हो ना मीना? मैं ठीक 4 बजे बीच पहुंच जाऊंगा। या आई एम गेटिंग रेडी। चुप नहीं रहूंगा, सबके सामने पप्पी दूंगा तुझे, प्लीज एक पप्पी दो। सुनो, प्यार में कभी कभी ऐसा ही होता है। मुझे मत करो, फिर नहीं दूंगा वो। जरा खोल के देखो इसमें क्या है। ये क्या? आज ये मक्खी जूस मेरे लिए इतना कीमती किसने के आया है? कुछ मुझे पसंद आया, यानी कि तुमने हल्का लाया। हाँ, आखिर मान गई ना तुम।
ड्रैकुला से बैटल नहीं हुई, ये साबित करने वाला हूँ। क्या बात है, जरा मैं भी तो सुनूं, लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगती? लॉटरी हाँ वही समझ लो, अभी तो 10,000 रुपए की लॉटरी लगी है। हा? कल एक बड़ी हस्ती से मेरी मुलाकात हुई, प्रोफेसर विलियम डिसोजा से। दानवीर करने भी कुछ नहीं, विदेश से आए हैं वो और मुझे भी अपने साथ लेके जा रहे हैं। सचमुच विदेश जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, ऐसा मेरे पापा ने कहा था, याद है ना? तेरे पापा कुछ न कुछ बोलेंगे, अच्छी नौकरी मुझे नहीं मिली तो तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे बोल रहे थे। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, मैं चाहता हूँ कि आगे की पढ़ाई तो विदेश में ही करो। ओह माय गॉड, विदेश जाके एमडी की पढ़ाई करना मेरा सपना था, ये सब मेरी प्रार्थना का फल है। क्या बात कही, यानी इसमें मेरा कोई हाथ ही नहीं, बोलना चाहती हूँ साकार करने वाला हूँ। देख पप्पी दे देख। शैतान की नानी है, रात के 12 बज चुके हैं। बेटी मम्मी, लूसी आंटी आई है। आओ, इधर आओ, आओ बेटी। कई दिन हो गए आंटी आपसे मिलके, कहाँ थी आप? आपको और अंकल को देखे बिना यह सब परेशान है, और दादी माँ बहुत रो रही थी, अंकल नहीं आए आंटी? अंकल बाहर है, तुम चलो हम उनसे मिलने चलते हैं। क्या हुआ बेटी? बेटी क्या हुआ? लूसी आंटी ने मुझे धक्का दिया और चली गई। लूसी आंटी, तुमने कोई सपना देखा होगा? नहीं, लूसी आंटी ने मुझे काटा, देखो। काटा? ये निशान कैसे आ गया गले पे? रोना मत, चलो। वैसे
हल्दी का लेप लगा के थोड़ी देर बैठना पड़ता है। मैं जरा बाहर होकर आती हूँ। अच्छा बुआ जी, क्या है बेटी? दरवाजे की कुंडी ठीक से लगाइए, वरना कोई ना कोई अंदर घुस आएगा। ऐसा करोगे तो राजू जबरदस्ती अंदर घुसकर आना ही होगा डालेंग। ओह माय गॉड, मैं हल्दी का लेप लगा के बैठे, तुम अंदर कैसे आ गए? तुम्हारा ये रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऊपर से हल्दी का लेप बड़ा आया। तुम्हारे जैसे बहुत नमूने देखे। बाबूजी को बुलाऊं क्या? तो बुलाओ ना। छी, नहीं राजू, तुम्हारे हाथ में हल्दी लग जाएगी। बेटी मीना, खाना परोसो ना, मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है। देखो मुझे उत्तेजित मत करना। और अब करो जाओ, तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी। मैं एक जरूरी बात बोल के चला जाऊंगा। वो क्या है भला? याद है मैंने तुम्हें विलियम डिसोसा के बारे में बताया था? हाँ। अरे हाँ, आज वो हमको पार्टी देने वाले। हमको? इसमें मुझे क्यों शामिल कर रहे हो? अरे दो से हम एक जो होने वाले हैं, और शाम को 6 बजे सी ब्रीज होटल जाना होगा। रात के 8 बजे तक लौट आएंगे। ओगर रात में बाबूजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। अपनी किसी सहेली की बर्थडे पार्टी है बोलकर निकल जाना मेरे साथ। मैंने उनसे वादा किया है कि तुम्हें लेकर जरूर आऊंगा, मेरी इज्जत का सवाल है। अरे बाबूजी आ रही है, जाओ जाओ जाओ। तो जरूर आना। ओके, सी यू डार्लिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाय रोहित। ओ जीसस, रॉय तुम इंडिया कब आए? बस यही कुछ दिन पहले। लेकिन मुझे बताया तक नहीं, लूसी कहाँ? घर पर है। मुझे पहचाना कि नहीं? मैं लूसी की कजन सिस्टर हूँ। पहचान लिया। रोमानिया में तुम्हारी मिसिंग की खबर सुन के हम घर गए थे। मैं इस होटल के फ्रंट ऑफिस में काम करती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? ऊपर इनर रेस्टोरेंट में। मैं भी आ रही हूँ, घंटों तुमसे बात करना चाहती हूँ। या व्हाई नॉट, आओ। अच्छा तुमने ही सारे रेस्टोरेंट को बुक कर रखा है? दोस्तों के लिए। ग्रेट। आज अब काम पे नहीं गए बाबूजी? दरअसल मीना बस के इंतजार में खड़ी थी और काफी रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे खुद ड्रॉप किया। वो दरअसल सरिता की मम्मी मुझे कार में ड्रॉप करने वाली थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। जी हाँ, सुपर बर्थडे पार्टी थी। ओह, बर्थडे पार्टी में तुम भी मीना के साथ गए? नहीं, वो मीना बता रही थी। हाँ, मैंने ही बताया था। चलता हूँ बाबूजी। अरे चपरासी का काम करके तुम्हें क्या लाभ है? चपरासी का काम? ओह शिट, आपसे कितने बार कहा है कि एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव हूँ मैं। तुम जो भी एग्जीक्यूटिव हो, लेकिन पगार चपरासी की है ना। तेरे डैडी से कई बार कहा मैंने, गाँव के मंदिर के पुजारी का काम छोड़कर यहाँ मेरे चेले बनकर आराम से जिंदगी गुजारो। सुने तब ना, हर माह 50,000 रुपए तो यहाँ कमा सकते हो तुम दोनों। मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ? दरअसल बात वो नहीं है, डैडी को किसी के अधीन काम करना अच्छा नहीं लगता है, और मैं तो प्रोफेसर के साथ विदेश जो जाने वाला हूँ। कैसे भला? मेरे बॉस ले जा रहे हैं, दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट विलियम डिसोजा मुझे ले जा रहे हैं अपने साथ। उन पर मुझे पूरा विश्वास है, और वो बहुत ही अमीर हैं। ये तो अच्छी बात है, विदेश में काम करोगे तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे और नाम भी बहुत होगा। हाँ, और बाबूजी विदेश जाके खूब कमा के ही शादी करूंगा मैं, कोई जल्दी नहीं। अरे किसको जल्दी है? यूं ही बोला। 2400 घंटे हम और तुम्हारे पिता काली माँ के मंत्र का ही उच्चारण करते थे। अच्छा ही होगा, रात हो गई है, तुम घर जाओ। जी। पिताजी के साथ मंत्र पढ़ते पढ़ते सिद्धि भी मिल गई। मेरे आने की खबर तुम्हें कैसे लग गई? यही तो तारा है, आजकल तुम कुछ ज्यादा ही घूम रही हो। दिव्य दृष्टि से सब कुछ पता लगा के पापा को बोल दूंगी। ओ गॉड, ऐसा मत करना, आईना कहीं भी जाने से पहले तुमसे पूछ के ही जाऊंगी। तो
बताओ राजू के साथ कहाँ कहाँ गई थी तुम? बताती हूँ, आज एक बड़ी हस्ती से मुलाकात हुई, प्रोफेसर विलियम डिसूजा। राजू के दोस्त हैं, कई सालों से विदेश में रह रहे हैं। क्या कहूँ दीदी, उनकी आंखों में ऐसी एक चमक है, सो पावरफुल। लंबी नाक, लंबे लंबे बाल, उसे देखकर जी नहीं भरा दीदी। फिर तो मैं भी उसे जरूर मिलना चाहूंगी। देखते ही दीवानी हो जाओगी, इसमें कोई शक नहीं। बात सुनो मीना, पराए मर्दों की तारीफ करते हुए तुम्हारे राजू ने सुन लिया तो रूठ जाएगा तुमसे। राजू हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। हाँ, और फिर दीदी वो राजू को विदेश ले जाने वाले हैं। गुड, उसकी नया पार। और भी कई सारी बातें बतानी है, पहले फ्रेश होकर आती हूँ। ओके, तब तक मैं तुम्हारे लिए टेस्टी ब्रू कॉफी बना कर लाती हूँ, ठीक है? ओह स्वीट। तुम सिर्फ मेरी हो। क्या बात है, सोए नहीं? सो तो रही थी। तुम वहां क्या कर रहे हो राजू? आधी रात को मुझे नींद से जगाकर पूछती हो क्या कर रहे हो? देखो मैंने एक सपना देखा। सपने में मैं कैसा था बोलो, जरा मैं भी सुनूं। बाद में बताऊंगी, वो बात नहीं है। पहले ये बताओ, उसके बाद बाकी की बातें। बताओ ना। जरा मुझे बोलने दो। सपना देखने का यही उम्र है, इसमें शर्मा मत। ये बताओ मैं कैसा था? बड़ा आया, बहुत ही सुंदर हो, दो सींग और एक पूंछ भी थी। अच्छा सो जाओ, गुड नाइट। तू सपने देख, गुड नाइट। ये पागल हो गई। बेटा बिन्नी, ये लोग सब क्या बोल रहे हैं? मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है। पंडित जी इसकी बातों पर आप विश्वास कर रहे हैं? देखने में ये पागल लग रहा है। मिस्टर रॉय, रोमानिया, ओह ड्रैकुला, ब्रैंड कैशल वैनिश्ड। You don't worry, we will find him. Come on, please, come on, please, please. Mr. Benny, ये रोमानिया के बिशप हैं। इन्होंने जो बात कही है उसमें अविश्वास की बात नहीं है। ऐसी कहानी पर विश्वास करने के लिए हम दूध पीते बच्चे नहीं है मिस्टर पॉल रॉबिन्सन।
आपकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। पिछले 25 वर्षों से मैं रोमानिया में ऐसे साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वहाँ की जनता बहुत ही अंधविश्वासी है, ये भी मैं मानता हूँ और ये सच है। मगर ये ड्रैकुला नाम का वैम्पायर किसी प्रेतात्माओं की कहानी की तरह एकदम सच है बेनी। इस तरह मानव रक्त पीने वाले जीवों को साइंटिफिकल रीति से खोज निकाला भी है। इस वैम्पायर फीचर्स में शामिल भयानक जीवों का राजा है वो ड्रैकुला। चिल्ला रही थी, ऐसा कुछ नहीं। आवाज सुनी मैंने। दरअसल मैंने बुरा सपना देखा, शायद इसीलिए। पढ़ाई के बहाने तुम मंदिर भी नहीं जाती हो, मंत्रों का जाप भी नहीं करती हो। कल ही तुम्हारे हाथ में ताबीज बांधूंगी मैं, प्रार्थना करके सो जाओ। मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ रहोगी? बड़ी डॉक्टर ली हो, डर पो कही की सिली गई। राजू तुम्हें आए काफी देर हो गई क्या? नहीं अभी आया। डैडी आनी है इसलिए मुझे ही प्रभात पूजा करनी पड़ती है, क्या करूं? बाबूजी कब लौट रहे हैं? काशी से वो बद्रीनाथ जाएंगे, उसके बाद ही यहाँ आएंगे ऐसा बोला था। क्यों, कोई खास बात है क्या राजू? मैंने आपसे किसी विलियम डिसोजा के बारे में बोला था ना? हाँ बोला था, जो तुम्हें विदेश ले जाने वाले है उनकी बात कर रहे हो ना? हाँ जी हाँ, दरअसल वो आपसे परिचित होना चाहते है। क्या मुझसे परिचित होना चाहते है? किस लिए भला? देखिए उन्हें इंडियन मिथोलॉजी और कल्चर के बारे में कुछ जानना है आपसे। इंडियन जरूर हैं, लेकिन उनका पालन पोषण विदेश में हुआ ना, इसलिए विदेश में रहते हुए भी कोई काम वाम ना करके मंत्र तंत्र व योगा सीखने के लिए निकल पड़े हैं, ये सुनके उनसे मिलने की इच्छा दिल में जाग उठी। तुम उनकी तारीफ करोगे, वो तुम्हें विदेश ले जा रहे हैं। बस 3 दिन की पूजा और बची है, उसके बाद उनसे आने के लिए बोला। अच्छा वो रहते कहाँ पे है? कुछ ही दूरी पर नाग देवी के मंदिर के पास ही घर है। अच्छा हर हफ्ते तो मैं वहाँ जाती हूँ। हाँ। उस वेपी से तो मैं खुद ही मिलूंगी। हैप्पी वो पागल कल हॉस्पिटल आके तुमसे क्या कह रहा था? जो सपना मैंने देखा, मास्टर का उससे कोई संबंध हो सकता है क्या सिंधु? ए पागल हो गई है क्या? तुम्हारे सपने का उस पागल से कोई संबंध नहीं है। ऐसा प्यारा सपना मुझे क्यों नहीं आ रहा है, इसी बात का दुख है मुझे। हुँ।
तुम मुझे ढूंढ कर आओगे जानता था मैं। कल जब मैंने सच्चाई बयान की तो तुम्हारी सहेलियों ने मुझे बाहर भगा दिया। परवाह नहीं, क्योंकि तेरे लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा, इसलिए कि तू मेरे मास्टर की माशुका हो। मास्टर, जरा मेरे सामने तो आओ, तेरे मनोहर रूप का दर्शन तो करने दो। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ जहाँ मौत ही नहीं है, इस सुंदरी को जिसे तुम अपने साथ ले जाने वाले हो। क्या बकवास कर रहे हो? इसे कौन लेके जाने वाला है? मेरे मास्टर, उनकी नजरों से नजरें मिलाने वाली कोई भी कन्या उनसे कभी दूर नहीं जा सकती। वो उसे लेकर जाएंगे। He will take her to the undead world. मीना, मीना, रुको, दौड़ो, दौड़ो, तुम कहीं भी दौड़ के जाओ, मेरा मास्टर तुम्हें खोज निकालेगा और अपने साथ लेकर जाएगा। चिचू। सुपर्ब, डिफरेंट, जीनस के बसने की सही जगह है ये। यहाँ कोई है? हेलो, घर में कोई है? एक्सक्यूज मी, मुझे ढूंढ के आई हैं? मिस्टर विलियम डिसोजा हो ना? जी हाँ। मैं हूँ तारा, राजू की फ्रेंड। ओह यस, सूरज पंडित की बेटी हो ना? जी। मंत्र विद्या में निपुण, वो भी सूरज पंडित की बेटी, इस प्रकार की आधुनिक वेशभूषा में? इसमें क्या, जमाने के साथ साथ वस्त्रों का बदलना भी जरूरी है। 100 साल पहले ये जो नारियां थी ना, वो घर से बाहर निकला नहीं करती थी। अगर आज भी यह हाल रहा तो कैसा चलेगा? वैसे स्लीवलेस ब्लाउज के पहनने से मंत्र और उसकी शक्तियाँ हमसे कभी दूर नहीं जाएंगी। गुड, वेरी गुड। राजू ने बोला था आप एक असाधारण महिला हैं, इसलिए मैं खुद आपसे मिलना चाहता था। कोई पूजा संपन्न होने के पश्चात मुझसे मिलने का वादा किया था ना आपने? जी हाँ, कल तक पूजा संपन्न हो जाएगी। उससे पहले यहाँ के मंदिर में यूँ प्रार्थना करने निकल पड़ी, और मंदिर के करीब ही आपका बंगला है ऐसा राजू ने कहा था मुझसे। धन्यवाद यहाँ आकर मिलने के लिए। अच्छा तारा, ये पूजा किसने कर रही हो? अच्छा पति पाने के लिए? देखिए, मेरी पसंद का कोई अच्छा पति मुझे इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में नहीं मिलेगा। ये पूजा एक नेगेटिव पावर को दूर भगाने के लिए है। नेगेटिव पावर? जी हाँ, यू नो हमारे परिवार में एक नेगेटिव पावर आने की कोशिश कर रहा है। डैडी से जब इसकी बात छेड़ी तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, परंतु मुझे विश्वास है दैट बैड पावर इज ट्राइंग टू एंटर इन आवर हाउस। आई एम श्योर ऑफ इट। आओ, मेरा गरीब खाना नहीं देखोगी? कम ऑन, व्हाई नॉट। उस नेगेटिव पावर को पहचानने में तुम सफल नहीं हुई क्या? इस मामले में मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझसे ज्यादा शक्ति है उसमें। परंतु कल पूजा संपन्न होते ही वो हम में से किसी को भी स्पर्श नहीं कर पाएगा। Really, it's a fantastic place, sir. इसे आपने खोजा कैसे? क्या सोच रहे हैं आप? अच्छा, वहाँ आऊंगा तो पूजा देख पाऊंगा क्या? ओह नो, मेरे अलावा वहाँ उस समय किसी का आना बिल्कुल निषेध है। ये क्या, सुनने में आया कि नारी नग्न पूजा भी करती है, कहीं वो तो नहीं? अथर्ववेद और मांत्रिक ग्रंथों में भी नग्न पूजा का उल्लेख जो है, परंतु ये ऐसा नहीं। उपनिषद का अध्ययन करके कठिनाई से खोजा गया काली सर पूजा है ये, नित्य पूजा भी कह सकते हैं। सफल हुई तो उस दुष्शक्ति का विनाश सुनिश्चित है। नहीं, मेरा विनाश नहीं कर सकते तुम। तुम्हारे पिता की मंत्र शक्ति और ड्रॉगला की महाशक्ति मुझमें समाई हुई है।
आप यहाँ क्यों आए हो? आने का मन किया तो चला आया। इस समय आपका यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं है। सर्प पूजा संपन्न नहीं हुई है, आप जाइए यहाँ से। ये पूजा कभी पूर्ण नहीं होगी। ये ना थी विमा, रक्षा करो मेरी इससे। जो कमर बंद है उसे शीघ्र उतारो, उतारो। नहीं। उतारो। नहीं, ये मेरे आत्मरक्षा के लिए है। अब इन नजरों से तुम नजर नहीं हटा सकती हो। हटा सकोगी? अब नहीं, अब मैं जो भी कहूंगा वो तुम करोगे। समय बहुत हो गया है, तारा बिटिया की पूजा संपन्न नहीं हुई। ब्लड देने की कोई जरूरत नहीं। दीदी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कोई बात नहीं। ये गले में चोट कैसे लगी दीदी? ब्लड काफी बहने के कारण अनीमिक हो गई हो। और कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा डॉक्टर सुरेश ने कहा है। बद्रीनाथ में होने के कारण पिताजी से कांटेक्ट नहीं कर पाई। खूब, कुछ हुआ नहीं क्या? आपकी किस्मत अच्छी थी कि बच गई। पंडित किशन शर्मा का शव शरीर देखकर ही पता चलता कि क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा यही तो कोई समझ नहीं पा रहा है। तारा के गले में दांतों के निशान है, इसलिए मैंने आपको यहाँ फोन करके बुलाया। मगर इस तरह की कहानी तो आजकल के जमाने में कोई विश्वास नहीं करेगा। इस तरह के बातों की चर्चा करना ही व्यर्थ होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। डॉक्टर, उस तरह इसे अनदेखा नहीं कर सकते। वैम्पायर्स की कहानी में साइंस है। चाहे तो इसे अंधविश्वास का नाम देके आप लोग नाम भी कमा सकते हैं, सपोर्ट के लिए लोग भी मिलेंगे, मगर सच्चाई वो नहीं है। क्या बोलूं? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बोलिए। डॉक्टर, मैंने भी आपकी तरह इस बात का खंडन किया। मुझे यकीन हो गया कि मैं पूरा गलत था। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो ब्लड लॉस हुआ था वो तारा के गले की चोट के द्वारा हुआ, लेकिन वो कैसे हुआ आप बोल भी नहीं रहे। होटल में उस औरत का मरना, मेरी बेटी आने के गर्दन पर लगे वो जख्म,
रोमानिया से आए हुए बिशप्स और डॉक्टर पॉल की सफाई है ये सब। सिर्फ इतना ही नहीं, कल रात काली माता के मंदिर के सामने दयनीय अवस्था में मौत, इन सब को जोड़ के देखूं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। यस, जब आपके साथ ऐसा कोई हादसा होगा तभी इनमें विश्वास करेंगे आप, वरना इसे मनगढ़ंत कहानी समझकर आप लोग टाल देंगे। आप कुछ भी कहिए, सूर्यास्त होने के बाद गार्लिक फ्लावर्स और जंगली गुलाबों के फूल तारा के कमरे में रखने की परमिशन दीजिए, वरना उस बच्चे की जिंदगी को खतरा हो सकता है। रात के वक्त उस कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने होंगे। ये एक गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल है, खामखा मुझे क्यों फंसाना चाहते हैं आप लोग? आपकी अनुमति न देने के कारण कहीं उस बच्चे को कुछ हो गया तो वो ओके, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। ईसीजी रिपोर्ट मिली क्या? हाँ, ड्यूटी रूम में दे दी मैंने। ओके। इस तरह छुपके क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं। अभी दीदी ठीक है ना? हाँ, शी इज ओके। प्लीज। अरे कहाँ भाग रही हो? राजू से मिलने के लिए भाग रही है ना? राजू कहाँ है? वो अंदर बैठा है, तुम जाकर बात करो। कि क्या है राजू? यूं ही, मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारा चेहरा उदास है, क्या हुआ? मैंने अभी प्रोफेसर विलियम डिसूजा को देखा। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ। कहाँ पे देखा? अभी यही कॉरिडोर में। दिन में भी सपना? वो तो घर पे है, अभी मेरी उनसे फोन पे बात हुई थी। हाँ? तो फिर मैंने जिसे देखा? सपना देखा होगा। शायद मैंने कोई सपना ही देखा होगा। क्या बड़बड़ा रही हो? मैं 3-4 दिनों से तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी राजू। क्या है? हर रात मुझे बुरे सपने आते हैं राजू। पिछले बार की तरह मेरे दोस्त सिंह देखे होंगे। नहीं, उस दिन ऐसा नहीं देखा था। तुमसे मैंने वो बात कही नहीं। उस दिन रेस्टोरेंट में मिलने के बाद हर रात विलियम डिसूजा मेरे सपने में आते हैं राजू। आहा, आई नो, सूट बूट पहने विलियम डिसूजा को देखते ही तुम मुझे ही भूल गई ना? बस करो मजाक, कुछ दिनों से मैं काफी टेंशन में हूँ, डू यू नो? और जब वो बात मैंने तुम्हें बताई तो इतने में ही रोने लग गई। मैं तो बस मजाक कर रहा था ना। तेरे सपने में कितने ही हीरो क्यों ना जाए, लेकिन तेरा हीरो मैं ही रहूंगा। हे, ये ड्यूटी रूम है। इसीलिए तो ड्यूटी निभा रहा हूं मैं। अगर मैं कुछ कहूं तो करूंगी ना सिस्टर? जरूर करूंगी मैडम। कहां है मेरी पेशेंट? नाउ यू आर ऑल राइट। ओके, वेरी गुड, एवरीथिंग इज फाइन। कोई थकावट तो नहीं है ना? नहीं। रात को तुम लोग साथ में ही थे ना? तुम्हारी बहन चली गई बेटी? नहीं, उसकी नाइट ड्यूटी है। ड्यूटी रूम में है वो। यानी उसका खेल कल से खत्म हो गया, अब हमला करने की बारी हमारी है। भला कैसे? बताता हूँ, मगर ये मजाक नहीं है, बहुत सावधान रहना होगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी कौन है वो सब संभाल लेंगे, तब तक तुम हमारा कहना मानना। अच्छा, हम सुबह आते हैं। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। कम ऑन बिशप, अब वो क्या करता है देखते हैं। बात सुनो सिस्टर, इन चीजों को यहाँ से हटा दो ना, इनकी खुशबू से मेरा दम घुट रहा है। पॉल साहब ने कहा है कि इन्हें मत हटाना। कहीं से आने वाला वो पादरी और वो पागल साइंटिस्ट ही इस अस्पताल को चलाते हैं क्या? मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, वो बड़े हैं इसलिए बात मान रही हूँ। इन सब को उनके घर में रखने दो, मेरे रूम में जरूरत नहीं। इन्हें वहां से हटा दो,
जोरों से मेरा दम घुट रहा है। ओके मुझे इस क्रूज पे विश्वास नहीं है, उसे भी उठा के वहां रख दो। हाँ। उसके बाद वो खिड़की भी खोल दो ताकि हवा अंदर आ सके। वो सब वहां मत रखो, अजीब खुशबू है, बाहर जाके रखो। दीदी आपके लिए कॉफी लाऊं क्या? कैंटीन करीबी है, लेकर आऊं क्या? एक कॉफी लाओगी तो अच्छा होगा। मैं लेकर आती हूँ। सूरज पंडित की बेटी मर गई, इसलिए मैं भी आया हूँ। कम दीदी इस आफत को तुमने न्योता देके बुलाया, मेरी बात को आपने मजाक में लिया। अब इस मृत बच्ची की जान आप वापस ला सकते हैं क्या? हम 9 बजे यहाँ से गए, अब 12 बज रहे हैं। इस बेटी यहाँ से फूल और क्रूज किसने हटाया? सर, मैंने ही हटाया है। जब तारा दीदी ने कहा कि उनका दम घुट रहा है तो मैंने सब कुछ हटाया। ओह शिट। उन सबको हटाने की वजह से ये सब हुआ, यही आप कहना चाहते हैं? तो फिर कौन होगा इसका जिम्मेदार? कहिए। कई बार समझाया मैंने लेकिन फिर भी ना समझे तो क्या करूँ मैं? इसका तो जिम्मेदार वो है, सिर्फ वही है, काउंट ड्रैकुला। इस दुनिया का सबसे भयंकर पिशाच है, द मोस्ट डेंजरस ब्लड सकिंग वैम्पायर। वो पिशाच इस कमरे में प्रवेश ना करे इसलिए मैंने वो सब करने को कहा था। वेशभूषा बदलने में माहिर है वो ड्रैकुला, पलक झपकते ही छिपकली के समान वो ऊंची इमारतों पर चढ़ सकता है और इसके अलावा कुछ देर उड़ने की क्षमता भी रखता है। 20 लोगों की शक्ति पाने वाले उस दरिंदे का सामना करना कोई आसान बात नहीं है। आप जो देख रहे हैं वो इस बच्ची की लाश नहीं है, मर के भी जीवित डेथलेस बॉडी है।
कल ये भी एक वैम्पायर बनके किसी का खून पी के ये भी यहाँ भटकेगी। ड्रैकुला के खून में इन्फेक्शन फैलाने वाले कई वायरस जो हैं, अगर इसे पिशाच बनने से रोकना है इसके शरीर से हृदय को बाहर निकलना होगा या शरीर के अंदर ही हृदय को नाश करना होगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? जो करना है मेरे पिताजी आके करेंगे। कुछ भी हो, पोस्टमार्टम के बाद ही कल बॉडी मिलेगी। सूरज पंडित तो आएंगे ना? उनके आने में काफी समय लगेगा। तब तक इस बॉडी को यहाँ रखेंगे तो आफत होगी। पिताजी सुबह तक आ जाएंगे, तब तक दीदी की बॉडी मोर्चरी में रखेंगे। राहुल भैया, Thank you.
डैडी। बेटी, इस घर में पैशाचिक बाधा प्रवेश की है, ऐसे तारा बेटी ने कहा था। सूरज पंडित के घर आने का धैर्य कोई पिशाच नहीं कर सकता, ऐसे मैंने कहा उसे। तारा बेटी की बात सच निकली। कहाँ है? उसे लाए क्या? जी, मार्चरी से उनका शरीर ही लापता हो गया। पत्रकाली, मैं ही फादर वर्गीस हूं जिसने आपसे फोन से बातें की थी। ड्रैकुला नाम का भयंकर दरिंदा रोमानिया से आकर हमारे छोटे से गांव में रह रहा है, ऐसा आपने कहा है। परंतु उससे भी अधिक दहलाने वाली घटना मैंने अपनी आंखों से देखी। यहां पधारकर मुझसे तंत्र मंत्र सीखने वाला एक युवक जिसका नाम रॉय है, उसके शरीर को ही उस ड्रैकुला ने अपना घर बनाया है। और उसी कारण इस सूरज पंडित की शक्ति को भी नष्ट कर दिया उसने। बेनी, गिव इट। इस फोटो में दिखने वाला रॉय ही आपके पास मंत्र तंत्र सीखने आए थे क्या? जी हाँ, यही वो ड्रैकुला है जिसके बारे में आपने कहा था। यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उसके आवास स्थान पर ही तारा के शरीर को ले गया है। इस रॉय थॉमस का भाई हूं मैं, बेनी थॉमस, यहां का असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर। किसी जमाने में वो आपका चेला था और आपसे मंत्र सीखा करता था, ये सारी बातें उसने मुझे बताई है। बेनी का भाई रॉय एक महीना पहले रोमानिया के ड्रैकुला का गढ़ देखने गया था। जानता हूं, वहां से उसने मुझसे फोन पर बातें भी की। ड्रैकुला की आत्मा का आह्वान करके पुनः वापस ला सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहा था। नो, इसे तो मैं जानता हूँ। ये वो नहीं जो आप कह रहे हैं, विदेश से आकर यहाँ बसने वाले विलियम डिसोजा हैं ये। विलियम डिसोजा? ओह, ये तो ड्रैकुला का एक और गढ़ लगता है। सुना पंडित जी, इस वैम्पायर का किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने का वर्णन कहीं नहीं लिखा है। ओह गॉड, सूर्यास्त होने के लिए केवल एक ही घंटा बचा है। अंधेरा हुआ तो खतरा होने का भी डर है। कुछ भी हो, हम अंदर चलते हैं। कोई अपना मनोबल मत खोना। पुलिस फोर्स की मदद की जरूरत पड़ेगी सर। खूब, हमारे लाख समझाने के बाद भी वो विश्वास नहीं कर रहे। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, ऐसा पॉल रॉबिन्सन का कहना है। Thank you.
काउंट ड्रैकुला। ओम शमा पक्षिदेवा जीवन करामि तमस्त्रे डॉक्टर, हम दोनों का अंदर जाना जरूरी है। डरो मत ऑफिसर, मैं साथ में जाऊं। कम ऑन। ड्रैकुला ने रहने के लिए अच्छी जगह का प्रबंध किया है। इस जगह पर कभी आए हो क्या? नो सर, पहले कभी नहीं आए। मगर ये तो भूतमान लग रहा है सर। सो तो है। दिस वे। This is wonderful. रोमानिया के ड्रैकुला घर में गया था मैं। ऐसा ही स्टोर रूम वहाँ भी है। मुझे डर लग रहा है सर। डरना लाजमी है। आईपीएस अफसर होने का मतलब ये नहीं कि ड्रैकुला तुम्हारा खून नहीं पिएगा। कम 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 कम। क्या है डॉक्टर? ये बात है। कौन है? दरवाजा खोलो। गो 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 गो। उठाओ उठाओ उठाओ। उठाओ। पहाड़ देखिए। ओह माय गॉड। वही हो रहा है जिसकी मुझे उम्मीद थी। हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है। देखिए लूसी। ओह गॉड, ये भी आ गई। ड्रैकुला ने इन दोनों को बाहर खड़े रहने का हुक्म दिया होगा। हमारे डोर खोलते ही अंदर आ गई। ये दोनों कहां से आ रही हैं? इसी बंगले के अंदर से। स्पेशली सूर्य की रोशनी में ये बाहर नहीं जा पाएंगी। ये तो मेरी भाभी है, बुलाऊं क्या? नो 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 नो, तुम्हारी कोई भाभी हुआ भी नहीं है, वो वैम्पायर है। दोनों को नाश करना होगा। कम। ये किस लिए? हम गोली से नहीं मार सकते, हृदय को नाश करना होगा या फिर सर को धड़ से अलग करके आग में भूनना पड़ेगा। आप जीवित लूसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते डॉक्टर। तुम्हें आईपीएस ऑफिसर की उपाधि किसने दी? चलो। तुम इसे नाम से बुलाओ। हाँ। हाँ। लूसी, लूसी। बेनी। हाँ। बेनी, बेनी मेरी रक्षा करो बेनी। डॉक्टर, हम लूसी को अपने साथ लेके जाएंगे। नहीं, विश्वास। अब बात समझ में आई? यही है तुम्हारी भाभी का असली शरीर। अब हम दूसरी को फिनिश करते हैं। चलो। वैनिश्ड। इसी दरमियान वो बच के चली गई। कम ऑन, पॉल रॉबिन्सन उसे छोड़ने वाला नहीं।
रॉय थॉमस, मुझसे तंत्र मंत्र विद्या सीखने वाले रॉय के शरीर को तुमने मेरे खिलाफ प्रयोग किया। सिर्फ शरीर ही नहीं, उसका दिमाग, उसका ज्ञान, भाषा, मंत्र शक्ति, सब कुछ। तुम ही समस्त लोकों में अति प्रसिद्ध वो ड्रैकुला हो। यस। परंतु मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे परिवार का नाश करना चाहते हो? मुझे मीना चाहिए, वो मेरी राजकुमारी है और उसे मैं ले जाऊंगा यहाँ से। जो भी हमारे बीच आएगा सबको मौत के घाट उतार दूंगा। मुझे बचा लो राजू, मैं इसके कैद में हूं। यहां यहां से मुझे ले जाओगे ना राजू? तारा बेटी। पंडित जी, बेटी। हाँ, आपकी बेटी की आत्मा को अब शांति मिल जाएगी। इस दुख को सहने की शक्ति मुझे प्रदान कर दुर्गे माते। अब उस पिशाच का नाश करना होगा हमें। वो मीरा को ढूंढने मेरे घर गया है। आप लोग तुरंत जाके मीरा की रक्षा कीजिए, वो पुनः अपने घर में कभी प्रवेश ना कर पाए। समुग्र बंधन क्रिया करके ही मैं आऊंगा। राजू, राजू, पूजा कक्ष में भद्रकाली के सामने रखे सुदर्शन चक्र को ले जाकर मीरा के कमरे में रखना है तुम्हें। तत्पश्चात वो वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा। जा, जा। डॉक्टर, आप राजू को लेकर जाइए, मैं इनके साथ घर जाता हूँ। ओके, ओके, कम ऑन। जाओ, नहीं छोड़ूंगा उसे। Oh.
मुझे छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगी, नहीं जाओगी ना? यू आर माई ब्लड, यू आर माई फ्लैश, यू आर माई एवर लविंग मीना। हम एक नई दुनिया बसाएंगे, तुम मेरे साथ चलोगी ना? चलूंगी, जहां भी ले चलोगे चलूंगी। तुम्हें लेके जाऊंगा, जब तक ये दुनिया रहेगी तुम ही मेरी माशुक रहोगी। मीना, प्रिंस ऑफ डार्कनेस, आई लव यू। राजू, पंडित जी ने जो सुदर्शन चक्र लाने के लिए कहा था वो लेकर आओ जल्दी। ये क्या है ना, ये क्यों रही हो? सब व्यर्थ हो गया। जिस घर में पूजा पाठ हुआ करता था, आज उस घर में न जाने क्या क्या हो रहा है। भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। मेरी दीदी भी गुजर गई और अब वो दुष्शक्ति मुझे भी। क्या वो यहाँ आया था? मीना, तुमने जो भी कहा वो सच है। वो आदमी विलियम डिसोसा नहीं है, ड्रैकुला, काउंट ड्रैकुला। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुम समझे नहीं। ये सब तुम्हारी गलती है। अब सब कुछ हाथ से निकल गया। वो कभी भी आ सकता है। वो आदमी जो भी आदेश देता है उसे मैं किए बिना नहीं रह सकती। राजू, मैं तुमसे ही शादी करके तुम्हारी पत्नी बनने वाली हूँ, ये जानती हूँ। जब भी उसकी आंखों में देखती हूँ, अनजाने में ही मैं उसके आदेशों का पालन करती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है राजू, मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। यहाँ से हम चलते हैं। डोंट वरी मीना, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। पूजा रूम में जो सुदर्शन चक्र है उसे लाने के लिए बाबूजी ने कहा है। हमने वो कर दिया तो उसका आना मुश्किल है। अभी लाता हूँ मैं। राजू, मुझे यहाँ तन्हा छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वो यहाँ किसी भी समय आ सकता है। वो यहाँ आ गया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। राजू, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं मीना, रो मत मीना, चिंता मत करो मीना। आज के बाद वो तुम्हारे साये को भी छू नहीं पाएगा। उसका सारा इंतजाम बाबूजी ने कर लिया मीना। दीदी, तुम्हें मेरी उम्मीद नहीं थी ना? नहीं, तुम यहां जरूर आओगे मुझे उम्मीद थी। अरे
राजू जल्दी से जाके इसे मीना के कमरे में रखो। जाओ जाओ जाओ। पियो इसे पीकर मेरी बिरादरी में आ जाओ। तुम हम उस जहां में जाएंगे जहां मौत ही नहीं होगी। मीना, मीना, घूर के क्यों देख रही हो? क्या हुआ तुम्हें? ये लेके यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। मीना, ऐसे क्यों बोल रही हो? कौन है तू? तेरी वजह से मेरा राजकुमार चला गया। मीना, धैर्य मत खोना। मीना, ऐसे क्यों कर रही हो? अरे ये सब क्यों फेंक रही हो? मीना, कूल डाउन। मीना, कूल डाउन। मीना, मेरी बात सुनो। राजू, डॉक्टर, छोड़ो, इस तरह क्यों कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें? छोड़ो। राजू, राजू, बिल्कुल किस पर देखो? क्या चीज़ का? हाँ, डॉक्टर। इसकी नहीं है, चलो, किस पर देखो? Oh, shit. Oh, shit.
उनके पास लेके जाओ ना। सुनो राजू, गाड़ी और तेज चलाओ तुम। रेलवे ट्रैक तो क्रॉस हो गया, कहाँ है तुम्हारा ट्रैक? एक पुल पर से उनकी गाड़ी बड़ी तेजी से जा रही है, जरूर वो मुझे अपने साथ लेके जाएंगे। जल्दी उनके पास ले चलो मुझे, और तुम लोग उसे कुछ नहीं करोगे। ठीक है राजू, इसने जो पुल बताया है जल्दी वहां लेके चलो। वो नहीं मिला तो हम क्या करेंगे डॉक्टर? इसकी मौत के जिम्मेदार हम ठहराएंगे। ये वैम्पायर में तब्दील होने से पहले उस ड्रैकुला को खत्म करना। अभी 3 बजे हैं। मेरे अनुमान के मुताबिक 2 घंटे के अंदर अगर उसे खत्म नहीं किया तो इसके ब्लड में मैक्सिमम इन्फेक्शन हो जाएगा और हम मीना को खो सकते हैं। 5:35 पे सूर्योदय, उसके बाद उसे कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा, नहीं तो वो सूर्य की किरणों से भस्म हो जाएगा। राजू और देख चलो। बताओ मीना, तुम्हारा राजा इस समय कहाँ है? हमें वहाँ जाना है। हाँ, मुझे जाना है बीच के पास, एक बीहड़ वन में दुष्ट आत्माओं का एक सुंदर और मनमोहक महल है, और इस महल में मैं उनकी पत्नी बनकर रहने वाली हूँ। बीच के पास जो बीहड़ वन है वहाँ एक शमशान है, तुम जानते हो ना? वैसे अनाथ लाशों को छिपाने वाला एक शमशान तो है, वो मैं जानता हूँ, और वहाँ अनगिनत कब्र भी तो है। कहाँ जा रहे हो? मेरे मास्टर की मां छुपा को लेकर कहाँ जा रहे हो? नीचे उतरो। ओह द किंग ऑफ डार्कनेस, इस सुंदरी को तुम्हारे मांस में और लहू में मिला हुआ देखने की प्रतीक्षा में हूँ मैं। अपने इस माशुका को ऐसे जहां में ले जाते वक्त मुझे भी अपने साथ ले जाना। कई साल बीत गए, तुमने मुझसे वादा किया था। कौन है आप? अपने मास्टर का गुलाम हूँ, उनकी राजकुमारी को उनके हवाले कर दो। आनंद के सागर में गोते लगाकर मेरे मास्टर को जश्न मनाने दो। अबे पागल, हट जा यहाँ से वरना खून कर दूंगा। अबे हट, अंधेरे को चीरने वाला आएगा। खून से लदे मोहब्बत के फूल लेकर, सच्ची मोहब्बत में खून की खुशबू है। तेरे जैसे बेवकूफों को ये बात कहाँ समझ में आएगी? ये तेरी महबूबा नहीं, मेरे मास्टर की माशुका है। राजू छोड़ो इसे। इस आदमी को मैं जानता हूँ, इसके बारे में मैंने सुना है, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। There you are. इसी रास्ते से वो गया, कम ऑन।
जल्दी गाड़ी चलाओ, नहीं तो ड्रैकुला के जाल में फंसते चले जाएंगे। वो मीना को लेकर वहीं गया होगा, आपको पूरा यकीन है? आई थिंक सो। मीना, मैं तुम्हें साथ लेके जाने वाला हूँ जहाँ मौत नाम की चीज नहीं होगी। तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगी मैं। राजकुमार, तुम्हारे सीने में जो दिल है वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करता है। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो गई है मीना। मेरे सीने में ना ही दिल है और ना धड़कन है मीना। इट्स अ डेड बॉडी। यानी तुम धोखा दे रहे थे? ऐसा क्यों किया, जवाब दो मुझे। लेकिन मीना, लेकिन अब भी मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मीना। मैंने सोचा तुम मुझे भी अपने साथ लेके जाओगे। मेरी राजकुमारी। खात्मा करना होगा, अपनी शक्ति का तुम उपयोग करो। कम ऑन राजू, कम ऑन। वो भयंकर रूप धारण करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसमें असफल हो गया है। राजू, तुम उसे मारने की कोशिश करते रहो। कम ऑन। Thank you.
लगता है वो बच के भाग गया। सूर्योदय के होते ही वो यहाँ नहीं ठहरेगा, मैंने कहा था ना। अब 6-7 मिनट के अंदर ये भी वैम्पायर में तब्दील हो जाएगा। अब हम क्या करें डॉक्टर? तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे मास्टर को पकड़ना मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं। बता बे, कांच है वो। जल्दी बोल पागल, वरना तेरी जान चली जाएगी। बता, मैं जानता हूँ तुम लोग आग से डरते हो। बता बता, तेरा मालिक कहाँ है? बता। नहीं बता, नहीं तो जला के राख कर दूंगा। बता बता बता। सूरज की रोशनी से बचने के लिए मेरा मालिक किसी खबर के अंदर छुप गया होगा, मगर उस लड़की को वैम्पायर बनने से तुम लोग रोक नहीं सकते। बच गए, वो फिर आएगा, उसके साथ मैं भी। मुझे मौत नहीं है। मीना, यू आर वेरी लकी, यू टू। यू नो व्हाट्स योर बॉडी टॉक नाउ सो मोर शी नो She didn't know rounds of four, you know someone.